टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही है। टीवी और अखबार को खरीद लिया गया है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, टीवी और अखबार भी तुम्हारा है। जहरीला बना दिया है नौजवान को। मजदूर जब मर रहा था बुलंद शहर में तो लोग सेल्फी ले रहे थे। मेरा गुनाह ये है कि मैं बेकसूर हूँ। इस सरकार नहीं है, ये एक इकदर सरकार है। पड़ोसी को पड़ोसी से जहरीला बना दिया गया है। ऐसा तो अंग्रेजी शासन में भी नहीं हुआ जो इस शासन सत्ता में हो रहा है। बहन कुंवारी मायावती जी ने बीजेपी को जिताने के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो कहीं ना कहीं भीतरी सब मिले हुए हैं बीजेपी को जिताने के लिए, और मैं उसमें बलि का बकरा बना दिया जाऊं। नमस्कार, मैं हूं शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बुलंदशहर के ही नहीं बल्कि युवाओं के लोकप्रिय नेता श्री भगवान शर्मा को स्पोर्ट बोले। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, लॉकडाउन के दौरान आपने मजदूरों को यहाँ भोजन कराया, या फिर साधु की हत्या पे आप वहाँ पे मौके पे पहुँचे आप, या आपके जन्मदिन की जो पार्टी की गई, तो इस तरीके से लगातार आपको किसी न किसी विवाद में तो FIR भी आपके ऊपर दर्ज हुई थी, उस पर क्या कहना है सर आपका? मैं शांति चाहता हूँ, ब्राह्मण शांति चाहता है, अमन चाहता है। इनकी जुल्म के खिलाफ ये शासन सत्ता जो है, ये जो आज मद में मस्त हैं, इनसे शांति चाहता है, अमन चाहता है, विकास चाहता है, बेरोजगार नौजवान रोजगार चाहता है, किसान अपना हक चाहता है। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही है, तो हमने उस जंग लड़ी है। इनके अत्याचारों के खिलाफ शोषण कर रहे हैं, टीवी और अखबार को खरीद लिया गया है। मैंने बार बार बोला नौजवानों से कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, टीवी और अखबार भी तुम्हारा है, सोशल मीडिया भी तुम्हारी है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। एक सत्य छुपाते हैं, सारे दिन असत्य फैलाया जा रहा है। जहरीला बना दिया है नौजवान को। जो वो चाहता है उससे पहले टीवी और अखबार के माध्यम से उसको इतना जहरीला बना दिया जाता है। कोई न्याय की लड़ाई लड़ता है, कोई गरीब की लड़ाई लड़ता है तो उसके खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। कोई न्याय के लिए बुलेट लेकर निकलता है, मोटरसाइकिल से निकलता है, गाड़ी को सीज करा दिया जाता है। डराया जाता है कि तुम कुछ नहीं करिए, करने दीजिए सिर्फ जो हम कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो सही है। और जो नौजवान किसान मजदूर असहाय जो आज रोडों पर, मजदूर जब मर रहा था बुलंद शहर में तो लोग सेल्फी ले रहे थे, उसका दुख दर्द नहीं देख रहे थे। कितने किलोमीटर पैदल चल के उसने अपनी जान को गंवा दिया, और मुझे दूर से रोका जा रहा है कि आप नहीं जाओगे उस तक। मैं सैनिटाइज कर रहा था, मैं उसको खाना खिला रहा था, उसके गंतव्य तक भेज रहा था। यही मेरा गुनाह है। मेरा गुनाह ये है कि मैं बेकसूर हूँ। सच बोलूँगा तो झूठ लगेगा, झूठ बोलेगा तो सच लगेगा। इस सरकार नहीं है, ये एक सेक्युलर सरकार है। डरा बहका वातावरण कर रखा है, हर किसी को डराया जा रहा है शासन प्रशासन के, कि तुम्हारे साथ ये घटना हो जाएगी, तुम्हारी सुरक्षा छीन ली जाएगी, हमारी सुरक्षा छीन ली है, ले जाओ भैया। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम लोग आए हैं, इसलिए आए हैं कि दरा काम पर नौजवान किसान मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए, और मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ूंगा। इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? सरदार भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर, गांधी जी,
हमें सिखा कर गए थे कि डरना नहीं अंग्रेजों से, डरना नहीं शासन सत्ता से। डर दूर करके गए हम नौजवानों का। तो ब्राह्मण का मतलब होता है जन्मना जायते शूद्र, संस्कारे दिक्कुचते वेद पटात भवेत विप्रब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? जो सब में ईश्वर अल्लाह परमात्मा देखता है और जो सबको साथ लेकर के चलता है, वो ब्राह्मण। आज जाति का जहर ठाकुर को ब्राह्मणों से, जाट को नाई धोबी से, सबसे लड़ाया जा रहा है। पड़ोसी को पड़ोसी से जहरीला बना दिया गया है। पड़ोसी पड़ोसी को देख करके गाली दे रहा, उग्र हो रहा है। किसान अन्नदाता रोड़ों पर लाठियां बजाई जा रही है, सब पड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये अत्याचार नहीं तो क्या? ऐसा तो अंग्रेजी शासन में भी नहीं हुआ जो इस शासन सत्ता में हो रहा है। थाने में उसकी जात पूछी जा रही है कि तू ठाकुर है कि पंडित है, कि तू जाट है कि नाई है कि धोबी है। कभी ऐसा नहीं सोचा। बहुत धन्यवाद सर। उपचुनाव की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी निर्जल राजवा सीट पे, और पार्टियों से प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना अपना दावा कर दिया है सर। तो आप की कुछ तैयारी है इस बार उपचुनाव में? देखिए, पूरा जिला गरीब हिंदू मुसलमान जो शांति चाहता है, जो विकास चाहता है भीतरी, अगर वो कहेगा तो मैं लड़ूंगा, वरना आप लोग सब जानते हैं मीडिया के लोग कि इस सीट से अमन और चैन का मैसेज जा सकता है। लेकिन बहन कुंवारी मायावती जी ने बीजेपी को जिताने के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जैसे राजस्थान, जैसे उत्तर प्रदेश, आप समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं भीतरी सब मिले हुए हैं बीजेपी को जिताने के लिए, और मैं उसमें बलि का बकरा बना दिया जाऊं तो मैं इसमें मूर्ख नहीं हूँ। पूरा जिला प्रदेश नौजवान में दौरे पर निकलने वाला हूँ। नौजवान को, गरीब को, पहले में जाति का जो जहर डाल दिया है शासन सत्ता ने, हर नौजवान के अंदर ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ाया जा रहा है, ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाया जा रहा है। पहले जहर दूर करूँगा और फिर अपने मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं इस शासन सत्ता के जुल्म के खिलाफ, तो हमारे साथ भी तो आएगा वो। हजारों साल मुसलमानों को हमने अपनी गोद में रखा है और ब्राह्मण ही इस जहर को ख़त्म कर सकता है। शासन सत्ता से भारत के लोगों को नहीं सुधारा जा सकता, ब्राह्मण अपने हृदय से परिवर्तन कर सकता है। और मैं पूरे प्रदेश के लिए निकलने वाला हूँ, हर जिले में जाऊंगा, अमन और चैन के और भाईचारे की बात करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा, जो जहर बोल रखा है उसे ख़त्म करूंगा और उनके जुल्म के खिलाफ संघर्ष करूंगा। सर, हमारा चैनल Time24 के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बोले से विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा है, तो आप कोई यकीन करना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस ज़िले ने मुख्यमंत्री दिए, सांसद दिए, कैबिनेट मिनिस्टर दिए, इस बुलंदशहर को नेताओं ने क्या दिया, ये पूछना। क्या दिया? हिंदू मुसलमान झगड़े, जाति का जहर। इससे गाजियाबाद बना, इससे गौतम बुद्ध नगर बना, इससे हापुड़ बना, लेकिन ये जिला वहीं का वहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।